सो हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे KGF यूनिवर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सी मूवी होगी और वो मूवी कब तक आएगी। यार एक टाइम था जब हम सोचते थे कि हमें कब एक इंडिया का सिनेमेटिक यूनिवर्स देखने मिलेगा, लेकिन अब चारों तरफ से सिनेमेटिक यूनिवर्स खड़े हो गए हैं। कहीं कोप यूनिवर्स, कहीं अत्रावर्स और कहीं तो डॉन यूनिवर्स। लेकिन आज हम सिर्फ KGF यूनिवर्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी KGF चैप्टर 1 से, जिसका मेन कैरेक्टर था रॉकी और उसे प्ले किया था यश, रॉकिंग स्टार यश ने। लेकिन जिस वक्त KGF चैप्टर 1 आई उस तो KGF यूनिवर्स का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही KGF चैप्टर 1 इंडिया में रिलीज हुई और इस मूवी ने सबका दिल जीत लिया, मतलब एक लड़का जिसने बचपन में ही सारे दुख और दर्द झेल लिए हो और उसकी जीत और घमंड ने उसे मुंबई पर राज करना सिखा दिया हो, और इसी जीत और घमंड की वजह से उसे मिला हाथी को मारने का काम, और उसने अकेले ने ही पूरी सेना के सामने उन्हीं के राजा को मार दिया, और अब उसकी सेना क्या करती है यही इस मूवी का सस्पेंस बन गया, और यही सस्पेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया। और सस्पेंस के अलावा स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग, इस मूवी की थीम और एक्शन, ये सब भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया, और कुल मिलाकर ये बन गई एक पैन इंडिया मूवी। और इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस मूवी के मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी अनाउंस कर दिया, जिस अनाउंसमेंट ने फैंस को खुश कर दिया। और जैसे जैसे इसके रिलीज के दिन पास आते गए और इस मूवी के मेकर्स ने एक सिनेमेटिक यूनिवर्स के बारे में भी सोच लिया, और फिर आई KGF चैप्टर 2, जो अपने सस्पेंस, स्टोरी टेलिंग, थीम, डायलॉग, एक्शन की वजह से वो भी हिट हो गई। और फिर उस मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिला चैप्टर 3 का हिंट, और फिर सुनने में आया कि KGF के डायरेक्टर एक और मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि KGF के यूनिवर्स में ही होगी, और वो मूवी है सलार। अब कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन सलार का डायरेक्टर भी वही है और सिनेमेटोग्राफर भी वही है जो KGF के थे, और ऐसा बोला जा रहा है कि सलार मूवी में लीड कैरेक्टर वही होगा जो KGF चैप्टर 2 में हमने फरमान नाम का कैरेक्टर देखा था। और KGF चैप्टर 2 में जिस एक्ट्रेस ने फरमान की माँ का रोल प्ले किया था, सलार मूवी में सलार की माँ का रोल भी वही प्ले करेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना तो हमें मूवी में रॉकी की और ना ही फरमान की डेड बॉडी बताई गई है, और हाँ हो सकता है कि रॉकी भाई को बचाने के लिए फरमान ही आया हो, और हो सकता है कि हमें सलार मूवी में रॉकी भाई का कैमियो या फिर एक अच्छा खासा सीन ही देखने मिले। और प्रशांत नील, इनके तो क्या ही कहने, ये यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने बघीरा भी कंफर्म कर दी जो कि KGF के यूनिवर्स में ही होगी। और बघीरा जो है वो कोई गैंगस्टर नहीं होगा, बल्कि वो गैंगस्टर को पकड़ने वाला एक पुलिस वाला होगा। अब बघीरा पुलिस वाला है और सलार और रॉकी भाई दोनों गैंगस्टर है, तो ऑफकोर्स फाइट तो होगी ही, लेकिन ये सब हमें इतनी जल्दी नहीं बताया जाएगा, इसमें हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, उसके बाद आएगी KGF चैप्टर 3। अब जब KGF चैप्टर 1 आया था, जब प्लान था कि इसके सिर्फ दो ही पार्ट आएंगे, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके मेकर्स ने चैप्टर 3 भी अनाउंस कर दिया KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। वो पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा शॉकिंग था, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि KGF 3 भी आएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि KGF चैप्टर 3 अनाउंस तो हो गया है, लेकिन उसमें बताएंगे क्या, क्योंकि रॉकी की कहानी तो एक तरीके से पूरी ही हो चुकी है, तो हो सकता है कि हमें वो 3 सालों के बीच का बता दे जो कि मूवी के बीच में से गायब थे। और पोस्ट क्रेडिट सीन में भी अंग्रेज आकर रमिका को उसके कांड की फाइल बताते हैं, तो हो सकता है कि हमें KGF चैप्टर 3 में वही 3 साल बताए जाए। और एक थ्योरी तो ये भी है, ये जो बुढ़ाओ है जो रॉकी को CEO बताता है, खुद को CEO बताता है, ये सबमरीन लेकर आएगा फरमान की जगह रॉकी को बचाने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।